70 और 80 के दशक में लोगों को अपने अभिनय से दीवाना बनाया, अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया। दर्शक इन्हें इनके नाम से नहीं बल्कि इनकी आई एक फिल्म रजनीगंधा से, इन्हें रजनीगंधा के नाम से लोग जानते थे। लेकिन इनका असली नाम विद्या सिन्हा था। विद्या सिन्हा ने कई हिट फिल्में दी हैं। अपनी अच्छी एक्टिंग के कारण विद्या ने बहुत कम समय में ही दर्शकों के दिलों में बस गई और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इनके आज से रूबरू करवाने वाले हैं कि आखिर अपने जमाने की ये अभिनेत्री आज कहाँ और किस हाल में है। विद्या का जन्म 15 नवंबर 1947 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता यश मान सिंह सहायक निर्देशक थे। विद्या के नाना मोहन सिन्हा प्रसिद्ध निर्देशक थे। विद्या का जब जन्म हुआ था तभी इनकी माँ चल बसी थी और फिर विद्या की मौसी ने इन्हें लालन पालन किया था। विद्या बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थी। विद्या सिन्हा स्कूल में होने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। विद्या सिन्हा की मौसी को विद्या में एक्टर के गुण नजर आते थे। एक दिन विद्या को उनकी मौसी ने मिस बॉम्बे प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। उस समय विद्या महज 17 साल की थी। अपनी मौसी के कहने पर विद्या ने मिस बॉम्बे प्रतियोगिता में भाग लिया और खिताब अपने नाम कर लिया। विद्या के खिताब जीतते ही उन्हें कई कंपनियों में मॉडलिंग के ऑफर आने लगे और विद्या ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। कई मैगजीन में उनकी फोटो छप गई थी। विद्या ने अभी तक अपने करियर की शुरुआत भी नहीं की थी और उन्हें अपने पड़ोसी वेंकटेश्वर अय्यर से प्यार हो गया। फिर अपने मौसी और नाना नानी सभी के मर्जी से विद्या ने 1968 में शादी रचा ली। विद्या सिन्हा के शादी के कुछ दिनों बाद ही एक दिन निर्देशक वासु चटर्जी ने मैगजीन में छपी विद्या की तस्वीर को देखा और विद्या से मिले। वासु चटर्जी ने विद्या को फिल्मों में काम करने का सुझाव दिया। विद्या को वासु चटर्जी का सुझाव पसंद आया और फिर विद्या ने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। विद्या ने फिल्म राजा काका साइन की और इस तरह से विद्या ने अपनी पहली फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत की। लेकिन फिल्म राजा काका कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। विद्या सिन्हा की पहली फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। विद्या की अगली फिल्म आई रजनीगंधा, जो कि काफी हिट साबित हुई और विद्या को इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलाई। फिर तो विद्या ने कई हिट फिल्मों में काम किया। विद्या सिन्हा पर फिल्माया गया गाना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए खूब फेमस हुआ। इस गाने को आज भी लोग गाते हैं। विद्या सिन्हा ने अपने जमाने के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ में काम किया। शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए पहले विद्या सिन्हा को ही लेना चाहा, परंतु विद्या ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि उनको जो किरदार निभाना था वो किरदार विद्या को पसंद नहीं आया। विद्या ने महिलाओं के लिए भी काफी काम किया। उन्होंने उन सभी महिलाओं को बाहर निकालकर काम करने को प्रेरित किया जो कि घूंघट में रहकर अत्याचार का शिकार होती थी। विद्या की फिल्म छोटी सी बात में उनके हीरो अमोल पालेकर थे, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया था। विद्या के अभिनय की काफी तारीफ हुई थी। विद्या ने फिल्म छोटी सी बात में जिस तरह की साड़ी और ब्लाउज पहने थे वो फैशन बन गया था। उस दौर की सभी महिलाएं विद्या की साड़ी और ब्लाउज के पहनने के तरीकों को फॉलो किया करती थी। इसके बाद विद्या ने फिर से फिल्मों में काम करना चाहा। विद्या ने फिल्म बॉडीगार्ड से अपने फिल्मी करियर की दूसरी पारी खेली। विद्या ने टीवी में भी काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीरियल बहू रानी, हम दो है ना, भाभी, काव्यांजलि, चंद्र नंदनी, कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे सीरियलों में काम किया। विद्या ने फिल्म इंडस्ट्री को 12 साल काम करके 30 फिल्में दी। लेकिन अगर बात की जाए उनके आज के बारे में तो आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस विद्या सिन्हा 71 साल की उम्र में 15 अगस्त 2019 को दिल और फेफड़ों की बीमारी के कारण विद्या इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। लेकिन विद्या का सादगी भरा अभिनय लोगों के जहन में हमेशा विद्या को जिंदा रखेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।